उत्तर प्रदेश के इटावा पुलिस ने दारोगा को ब्लैकमेल कर पैसे मांगने वाले पत्रकार को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिटी डॉक्टर रामेश सिंह ने बताया कि थाना सिविल लाइन में तैनात उप निरीक्षक सुबोध सहाय द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था कि पत्रकार सनत तिवारी द्वारा फोन के माध्यम से लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा है, जिसमें बताया गया है कि उसके पास सुबोध सहाय का एक वीडियो है जिसे वो सोशल मीडिया पर डालकर उसकी नौकरी खतरे में डाल सकता है। ऐसा न करने के लिए सुबोध सहाय से 50,000 रुपये की मांग की गई थी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और ब्लैक मेलिंग के मामले में सनत तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया।